आदाब नमस्कार सत श्री अकाल हिंदुस्तान जिंदाबाद। मैं हूं जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं बेखौफ आवाज़ न्यूज़। प्यारे वर्ष हम आज आ पहुंचे हैं बुलंदशहर सिटी के लाल तालाब और लाल तालाब में आगा कंपाउंड के अंदर आगा अली अथर भाई साहब ये राइट साइड में बैठे हुए हैं, तारुफ करा देता हूं। और यंग हैं, छोटे भाई हैं, नौजवान हैं, एक युवा शक्ति हैं। तो जैसे कि हमने आपसे पहले कहा हुआ था कि कोई भी बुलंदशहर में उनका अपना इनफरादी व्यक्तिगत जो उनका अपने जो ज़िंदगी के अंदर जो उन्होंने कैरियर उन्होंने कहीं ना कहीं कामयाबी अपनी त्याग तपस्या अपनी कुर्बानी अपने वर्षा के साथ उनका नाम रोशन किया, अपना नाम रोशन किया, कहीं ना कहीं बुलंदशहर का भी नाम रोशन कर रहे हैं, चाहे वो उम्र में किसी भी पड़ाव पर हों, किसी भी एज फैक्टर से हों। तो कोशिश यही रहती है कि वक्तन फवक्तन समय समय पर हम आप तक रूबरू करा सकें। तो आगा अली अथर भाई मर्चेंट नेवी में हैं और बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए, तमाम व्यूअर्स की तरफ से और चैनल की ओर से हम उनको कोटि कोटि सहपरिवार बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और अस्सलाम वालेकुम अथर भाई, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको माशाल्लाह। अथर भाई बहुत इज अ नाइस और रियली फील वेरी प्राउडली, बहुत हम सब के लिए बड़ी गर्व की बात होती है कि बुलंदशहर के एक ऐसा मिडिल परिवार का बेटा कहीं ना कहीं अपनी जुस्तजू और संघर्ष करने के बाद, तपस्या के बाद, कहीं ना कहीं अपने परिवार और उसके बाद में बुलंदशहर का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारे तमाम व्यूअर्स को आज आप बताएं शुरू से अपने बारे में, किस तरीके से आपको ने प्राइमरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करी और उसके बाद में क्या क्या परेशानी आई और उसके बाद में क्या क्या स्ट्रगल किया आपने और इसके साथ साथ यहाँ तक पहुँचने में, इस सफ़र मर्चेंट नेवी तक कामयाबी हासिल करने तक क्या क्या आपको परेशानी रही। तो प्लीज़ रूबरू प्यारे बस हम चाहेंगे, बहुत दिलचस्प इंसान हैं और ज़िंदगी में ये देखें आप पारिवारिक संबंध रहे हैं दादा के ज़माने से, इनके दादा और वाली साहब, ताया और चाचा जी, और इत्तफाक़ ये देखें कि शहर सिटी के अंदर एक टी शॉप पे मुलाकात हुई और वहाँ पे गैबियाना और तारुफ हुआ। बहुत ही दिलचस्प आदमी है और जिस बात के लिए पूरा परिवार बड़ा फेमस है, कोऑपरेटिव नेचर और हमेशा जो है कहीं ना कहीं एक डायनामिक अपने परिवार के लिए लॉयल, अपने ज़िले के लिए, अपनी सरजमी के लिए, ये अपने आप में विशेष बनाता है इस परिवार को, आगा कंपाउंड को और आगा फैमिली को। आपको बताते चलें प्यारे वर्ष, इनके जो चाचा हैं बोले ज़िले में उनके हरदिल अजीज़ बने हुए हैं सेंट मोमना के, जो प्रॉपराइटर हैं जनाब आला शाह फैसल साहब आगा, वो इनके चाचा हैं, अंकल हैं और ये उनके भतीजे हैं। तो एक बार तमाम व्यूअर्स की तरफ से आपको कोटि कोटि बधाई शुभकामनाएं। नौजवान हैं आप, छोटे भाई हैं हमारे। तो प्यारे वर्ष इनसे मुलाकात हुई, बड़ी दिलचस्प मुलाकात हुई और बिल्कुल ऐसे समझिए कि आगा अली अरमिया ने हमें हिप्टोनिज्म कर दिया। जितने सब इनके काफ़ी दोस्त बैठे हुए थे सबसे तारुफ कराया माशाल्लाह और बड़ा अच्छा लगा। और कुदरती गैबियानी भी जो मुझे खुद महसूस हुआ, मैंने कहा शायद ये फैसल भाई की फैमिली से ही है और वो वाकई में सच निकला और कहीं ना कहीं अपनी फैमिली और बुलंदशहर के अंदर जो इनको विरासत में मिली है उसको आज भी कायम किए हुए रखे हुए हैं और उसको ज़िंदा रखे हुए हैं। एक बार फिर से आपका खैर मकदम है आगा अली अथर मियां, नाइस टू मीट यू और बहुत अच्छा लगा। और हमेशा कोशिश यही रहती है कि नौजवानों को हम प्रमोट करें अपने चैनल पर, तमाम जितने भी हमारे बुलंदशहर के नौजवान हैं, किसान परिवार के बेटे से लेके मिडिल परिवार तक, ताकि वो रूबरू हो सकें, कहीं ना कहीं पॉजिटिवली आपकी इस त्याग तपस्या से उनको भी लाभ मिल सके अपने जीवन के अंदर। तो अली भाई कहाँ से आपने शुरुआत की प्राइमरी स्कूल की बताएं? भाई इनिशियली हमने जो अपनी स्टडीज़ करी वो हमने सेंट मोमना स्कूल बुलंदशहर से ही करी हैं और उसके बाद हम जो हमारे प्रोफेशन से जो रिलेटेड हमारी स्टडीज़ रहीं वो हम यहाँ से बॉम्बे चले गए। बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूट है टीएस रहमान, ट्रेनिंग शिप रहमान, तो वहाँ से हमने अपनी जो ये जर्नी थी स्टार्ट करी, मर्चेंट नेवी की जो जर्नी थी हमने वहाँ से स्टार्ट करी। तो ये कितने कोर्स होते हैं मर्चेंट नेवी के लिए? देखिए जाहिद भाई, मर्चेंट नेवी के लिए मुख्तलिफ कोर्सेज हैं और इसमें कैटेगरी वाइज मैं आपको बताता हूँ, इसमें तीन बेसिक कोर्सेज है जो
मैंडेटरी है, करने ही करने हैं एक स्टूडेंट को मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए। बताएं प्लीज। तो सबसे पहला एक कोर्स होता है जिसे हम जीपी रेटिंग कहा करते हैं। उसकी जो जीपी रेटिंग की जो ड्यूरेशन रहती है वो 6 मंथ्स ट्रेनिंग की रहती है जो आपको इंस्टीट्यूट देता है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपके सर्टिफिकेट्स होते हैं। और 6 महीने की ट्रेनिंग में आपको बहुत सारी अलग अलग मुख्तलिफ कोर्सेज कराए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट एड का कोर्स कराया जाता है, आपको फायर फाइटिंग के कोर्सेज कराया जाता है, आपको ट्रेनिंग करी जाती है लाइफ बोट्स की, ठीक है। और इस तरह से आपकी एक पूरी प्रोसीजर है वो पूरा होता है, और उसको करने के बाद आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही सर्टिफिकेट मिलते हैं आपको। ये जो आप कोर्सेज करते हैं ये गवर्नमेंट इंडिया आपको इसके सर्टिफिकेट्स देती है। बाकायदा डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से रजिस्टर्ड एक इंस्टीट्यूट्स हैं, एक मतलब मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग से वो हुए हुए हैं, वो आपको सर्टिफिकेट्स देते हैं और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड होते हैं सर्टिफिकेट्स। जी हाँ। तो फिर आप जब आपके कोर्सेज हो जाते हैं ये 6 महीने के, फिर आपको एक जिस तरह से हमारा पासपोर्ट होता है ना, बिल्कुल हूबहू ऐसी एक और बुक मिलती है, उसको कहा जाता है CDC, कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। वो एक सीमैन के लिए सबसे ही इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है, ठीक है। और फिर बेसिकली आपको सर्टिफिकेट्स चाहिए, वो सीमैन बुक चाहिए जिसे हम CDC कहते हैं, और एक पासपोर्ट होना चाहिए आपको जिससे कि आप कंट्री अलग अलग कंट्रीज में ट्रैवल करने वाले हैं। क्योंकि दूसरा कोर्स होता है कैडेट का, उस कैडेट का कोर्स जो कॉलेज में होता है उसके लिए आपको 1 साल कॉलेज करना पड़ता है। जी हाँ। उसमें भी यही प्रोसीजर है कि आपको वहाँ अलग अलग कोर्सेज कराए जाते हैं, उनके आपको सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, वो सारे सर्टिफिकेट DG अप्रूव्ड होते हैं, गवर्नमेंट अप्रूव्ड होते हैं, और आपको फिर वही प्रोसीजर है। फिर एक होता है 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स काइंड ऑफ, उसमें आपको 3 साल कॉलेज करना पड़ता है। जी हाँ। अब ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है, इसमें मैं अगर आपके 2 मिनट में आपके ले लूं, है ना। इसमें ये होता है एक कि जो आप 6 महीने वाला कोर्स करते हैं, इस कोर्स के अंदर आपको शिप पे चढ़ने के बाद एक ट्रेनिंग पीरियड शिप पे भी कंप्लीट करना होता है। आप जी नहीं, 6 मंथ्स आपने यहाँ कर लिए कोर्स इंस्टीट्यूट में, फिर आगे आपको 36 मंथ्स शिप पर ट्रेनिंग करनी होती है, जो कि यकीन जानिए जायद भाई बहुत मुश्किल होता है वो वक्त एक बच्चे के लिए, क्योंकि वो बहुत यंग एज में होता है। एक 18, 19, 20 साल का बच्चा जब जहाज पे जाता है तो उसके लिए बड़ा टफ होता है वो 36 मंथ्स वहां पे। दुनिया अलग होती है, बिल्कुल बिल्कुल दुनिया अलग है। मतलब हम आम जमीनी लोग जो जमीन पे जॉब करते हैं, जो लैंड पे जॉब करते हैं, उनके वो उनकी जहन से उनके जहन में नहीं आ समझ सोच नहीं पाएंगे वो जो डेप्थ है ना, वो बिल्कुल अलग है, वो दुनिया अलग है। खैर अच्छी है, बहरहाल मैं अपने एक्सपीरियंस से 12 साल के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ कि ये दुनिया बहुत खूबसूरत। अच्छा, उसके बाद में फिर आपने ये कोर्स करने के बाद में आपने अप्लाई किया, और उसके बाद मर्चेंट नेवी में कौन से सन में आपने ज्वाइनिंग की? तो जायद भाई ये हुआ कि हमने बॉम्बे बुलंदशहर छोड़ दिया था हमने 2009 में। जी हाँ। 2010 में हमारे कोर्स कम्प्लीट हो गए थे माशाल्लाह, और 2010 के एंड में जुलाई में हमारे कोर्सेज कंप्लीट हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह 2010 के। और फिर 2010 के एंड में हमारी फ्लाइट कंफर्म थी, हम यहाँ से सीधा सऊदी ज्वाइन कर रहे थे एक शिप पर जाकर, जद्दा जुबेल बिल्कुल आपको याद है। हाँ जी, सीपोर्ट है जी, जुबेल हमने ज्वाइन कर लिया था, और वो हम 9 महीने 8 दिन और 21 साल की उम्र हमारी, हम 9 महीना 8 दिन शिप पर काम किया हमने अल्हम्दुलिल्लाह। डोमेस्टिक वहाँ जुबेल से कहाँ कहाँ जाना होता था शिप पर आपका? देखिए स्टार्टिंग में, हाँ ज्वाइनिंग में, फर्स्ट ज्वाइनिंग में जायद भाई हमारा होता था हम लोग अल जुबेल से हम शिप लोड करते थे। वहाँ केमिकल का बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, तो हमारा जो शिप था वो केमिकल टैंकर था एक, जिसके हम अंदर हम केमिकल लोड किया करते थे। बड़े बड़े टैंक्स होते हैं अंदर ही शिप में, उसमें हम केमिकल लोड करते थे, और हम जाते थे चाइना डिस्चार्ज करते थे, फिर हम वापस आते थे जुबेल, वहाँ से फिर लोड करते थे, फिर हम जाते थे यूरोप। तो हमारा ऐसा रहता था कि एक बार हम चाइना जाएंगे, फिर खाली करके वापस आएंगे, फिर हम जुबेल जाएंगे, फिर खाली करके वापस चाइना।
तो ये रहा हमारा पहले शिप का रूट, तकरीबन 8 महीने 9 महीने 9 महीने 9 महीने 8 दिन जी। उसके बाद फिर आप छुट्टी, उसके बाद फिर फर्स्ट वेकेशन तो ये लगाइए कि जब हम उस माशाल्लाह डॉलर्स में सैलरी थी तो हमारे साथ के तो बच्चे कॉलेज ही कर रहे थे जिस वक्त हम अल्हम्दुलिल्लाह डॉलर्स कमा के लिए आए थे। तो बस फिर क्या था, फिर वो दिन बदले और हॉलीडेज तो ऐसी थी कि वाह क्या कहने, और साहब अच्छे फिर चल पड़ी गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ लिया और फिर अपने निकल पड़े। एंटरटेन और एंजॉयमेंट और एक जिसे कहना चाहिए एक ख़ुद मुख्तार और एक डिपेंडेंसी और एक जो कामयाबी के इंसान जब हासिल करता तो वो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में छा गई। जी जी, वो थोड़ा चेंजेस आते हैं लाइफ में, नहीं वो जरूरी के बाद में जब आप, ऐसा नहीं है कि ये जो मैंने आपको कहा 1-2 साल का जो किस्सा बताया इसमें सब कुछ ऐसे ही होता चला गया जाहिद भाई, इसमें बहुत मेहनत हुई, बहुत वक्त लगा, स्ट्रगल किया, स्ट्रगल हुआ, रात रात उठ के पढ़े ठीक है, और मेहनत हुई और मेहनत फिर रंग भी लाई माशाल्लाह। हमेशा फिक्र रहती थी कि कैसे भी हर डायमेंशन में आपने मेहनत करके कि कहीं ना कहीं इसको अवेल करना है मर्चेंट नेवी। जाहिद भाई मर्चेंट नेवी तो मेरा फील्ड है, पर कोई भी एक्स वाई जी कोई भी फील्ड होता है मेहनत के बिना कामयाबी नामुमकिन ही समझिए। एग्री, एब्सोल्युटली राइट, बहुत मेहनत चाहिए आजकल तो। अच्छा हमारे टाइम में जब हम 18-19 साल के तब इतनी लग्जरी भी नहीं थी ठीक है, और अब आजकल के बच्चे तो इतना मतलब एडिक्टेड है लग्जरी के साहब अगर फोन नहीं होगा तो वो परेशान हो जाएंगे। इवन कन्वेंस आल्सो, हाँ अगर मोटरसाइकिल नहीं हो तो परेशान हो जाएंगे, फोन नहीं है। और जब हमने दरिया में गए उस वक्त मोबाइल नहीं थे, बहुत ही ना के बराबर मोबाइल थे, कोई इंटरनेट, कोई इंटरनेट एक्सेस, कोई सोशल मीडिया, कोई सोशल मीडिया था, सोशल मीडिया पर ये एंड्रॉइड और आईफोन्स नहीं थे पहले, बट वो कीपैड वाले फोन्स हुआ करते थे। तो मतलब घर पे कॉल भी हफ्ते हफ्ते या 15-15 दिन हम खबर नहीं दे पाते साहब हम खैरियत से हैं, क्योंकि आप एक दरिया के कोने में हो है ना, तो 10-15 दिन में समझा। तो अब फोन अब कितना जरूरी हो गया, पहले नहीं था तो एहसास भी नहीं था हम लोगों को नहीं था, पर अब बच्चे बहुत ये है मगर कर रहे। अच्छा अली अतर भाई ये बताएं जब आप वहाँ पहुँचे तो शिप में जब आपका पहली शुरुआत हुई आपकी तो किस तरीके से परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्या क्या आप बताते हैं कि जैसे ओशन में शिप में आप फर्स्ट टाइम जाते हैं तो वॉमिटिंग नौशिया वगैरह होती है वो ज़रा बताएं। जी जी वो होती है, वो आम है, नॉर्मल है वो, और उसमें वो कोई सिकनेस नहीं है, वो कोई बीमारी नहीं है, वो हर एक हेल्दी इंसान को हो जाती है। जब शिप चलता है और जब ओशन सी थोड़ा भी रफ होता है तो शिप भी हिलती है, मुस्तकिल वो हिलती रहती है, तो वो रोलिंग बोला करते हैं हम उसे, रोलिंग और पिचिंग होती है। जब जहाज इस तरह से हिलता है तो लेफ्ट राइट हिलता है तो उसे रोलिंग बोलते हैं, और जब अहेड और स्टर्न हिलता है ऐसे तो उसे पिचिंग बोला करते हैं। तो खैर जब रोलिंग होता है जहाज तो थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाता है आदमी, वॉमिट होती हैं, चक्कर आते हैं, काफ़ी कुछ परेशानी होती है, और मेरे साथ भी हुई, मगर वो शुरू के कुछ दिनों में जैसे 2-3 महीना मुझे वो तकलीफ रही, हमेशा हिलता भी नहीं है। अच्छा शिप पे बात करें मेज की तो खाने पीने की क्या सहूलियत रहती थी आपको और अभी भी? जाहिद भाई खाने का तो ये है कि अगर आपका नसीब अच्छा है तो आपको इंडियन कुक मिल जाएगा। अच्छा, और मोस्ट प्रोबेबली जो है इंटरकॉन्टिनेंटल शेफ रहते हैं। हाँ मोस्टली यही होता है कि क्योंकि मिक्स क्रू होता है, सब इंडियंस बहुत कम होते हैं कि किसी जहाज पे सारा ही क्रू इंडियन हो, होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, पर जरूरी नहीं है कि सारा ही क्रू इंडियन मिल जाए आपको। तो अब जहां पे मैंने शुरुआत करी थी और अब तक भी मुझे सारे इंडियंस कभी नहीं मिले। अच्छा। जी या तो मैं यूरोपियंस के साथ होता हूँ या मैं फिलिपिनोज के साथ होता हूँ, कभी पाकिस्तानीज के साथ भी काम किया है, वियतनामीज के साथ भी काम किया है, रशियन यूक्रेन सब के साथ काम किया है, मिक्स क्रू के साथ। वेस्टर्न कंट्री के ज्यादा आपके साथ स्टाफ रहे? हाँ काफी हद तक। तो कुक का ये होता है कि कभी हो सकता है कि आपको फिलिपिनो कुक मिल जाए तो वो तो चिकन नहीं बनाता अच्छा ना, वो तो दाल अच्छी नहीं बनाता, तो फिर आपको करना पड़ता है, करते हैं एडजस्ट, ऐसा कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह शिप पर। अच्छा रोटी पराठा अगर इंडियन कुक है
तो वो आपको रोटी भी खिलाएगा, वो आपको पराठा भी खिलाएगा। और वैसे जनरली सारी चीज़ें होती हैं शिप पर, बड़े स्टोर्स होते हैं हमारे पास, हम अंदर खाना रख, अच्छा बड़े रेफ्रिजरेटर, हेल्दी फूड रहता है, बहुत हेल्दी फूड रहता है। हाँ, अब थोड़ा फ्रोजन यूज़ करते हैं हम लोग वहाँ पे, फ्रेश तो नहीं मिलता पर होता है, सब कुछ होता है जो एक होना चाहिए डाइट के लिए, बेहतरीन होता है। अच्छा, ड्यूटी आपके जब शिप पे रहती है तो यकीनी तौर पे स्ट्रेस भी रहती है, क्योंकि ओशन में सी के अंदर लगातार सफ़र करना आसान नहीं है। उसके बाद में कहीं ना कहीं जो तनाव होता है, तो उसके लिए रिक्रिएशन के लिए वहाँ पर एंटरटेन के लिए क्या है रहता है, स्पोर्ट्स की कुछ फैसिलिटीज़, इंडोर स्पोर्ट्स वगैरह रहते हैं उसमें, या टीवी या कुछ इस तरीके की? जी हाँ, अभी ये समझिए कि बड़ा कॉमन है टेबल टेनिस, वो ज़रूर ऑलमोस्ट हर जहाज पे आपको मिल ही जाता है। बाकी अंदर ही हम लोग कुछ ना कुछ अपना रखते हैं स्पोर्ट्स छोटे मोटे, इवनिंग के टाइम हम सब बैठ के गेट टुगेदर करते हैं, टीवी रूम है वहाँ पे हम अपना कोई भी मूवीज, सैटेलाइट, हाँ इंटरनेट एक्सेस है आज के दौर में, वाईफाई होता है जहाज पे और लिमिटेड है, ये नहीं कि अनलिमिटेड आप कुछ भी कर रहे हैं, मगर हाँ लिमिटेड है, आप आराम से अपने व्हाट्सएप फेसबुक चला सकते हैं, घर पे बात कर सकते हैं, वो सब कुछ अब है, तो अब की जनरेशन को मेरे ख्याल में परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, तो कितने देशों का आपका सफर रहा इस कितने साल, लगभग कितने साल की आपकी जॉब हो गई तकरीबन? भाई 2011 से लेकर और 2023 आपके सामने है, अल्हम्दुलिल्लाह 12 साल माने पूरे, 12 साल है। और इन 12 सालों में तकरीबन ये तो नहीं कहता कि सारे मुल्क, मगर काफ़ी 100 सेंचुरी मैंने कभी काउंट नहीं करे जायद भाई, मगर हाँ मोस्टली अपना मिडल ईस्ट हो गया इधर पूरा, या गल्फ मतलब पूरा हो गया इधर, ये चाइना, सिंगापुर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, नहीं नीदरलैंड, हॉलैंड, और आपका इधर फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये एयरपोर्ट, हाँ ये सारे तो लगभग 50 तो कह सकते, ज्यादा भी हो सकते हैं, जी ज्यादा भी हो सकते हैं, काउंट नहीं है मतलब। तो जैसे आपका जब वहाँ पे शिप अनलोडिंग का वो होता है, तो उस कंट्री में भी आपका जाना होता है, तो घूमना होता है, तो यूरोप की बात करें तो कौन सा मुल्क आपको सबसे अच्छा लगा, खूबसूरती के एतबार से, मानवता इंसानियत के नाते, और वहाँ डिसिप्लिन और नॉर्म्स के मुताबिक? देखिए जाहिद भाई, आपको पर्सनली फील हुआ? मैं अपने पर्सनल, हाँ जी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कहूँ तो अल्लाह ताला ने खूबसूरती, चाहे वो ज़मीन पे हो या पेड़ पौधों में हो या जैसे भी कहे जाए, वो यूरोप में कुछ अलग ही है, यूरोप की बात कुछ अलग है। और यूरोप में भी अगर आप रोम चले जाते हैं इटली, जी हाँ, तो आपका दिल खुश हो जाएगा, मतलब वेटिकन सिटी, आप वेटिकन चले जाइए, आप बहुत ही खूबसूरत वहाँ के जो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो इतने शानदार हैं कि आप मतलब भूल नहीं पाएंगे। मार्केट, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं वहाँ, रोड्स बहुत अच्छे हैं वहाँ, मतलब कोई क्राइम नहीं है किसी तरीके का, कहीं आपको पुलिस नजर नहीं आती, हर जगह टूरिस्ट है, हर कोई इंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, पीसफुल, बहुत ही ज्यादा, बहुत सेफ है, और नॉर्म्स हैं वहाँ पे बहुत अच्छे, लोग बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं, कोई गंदगी कहीं नहीं मिल सकती आपको, और खाली मतलब ये तो एक हेल्पिंग नेचर, कोऑपरेटिव नेचर, हाँ क्योंकि हाँ बिल्कुल, अब एजुकेटेड है, ऑफकोर्स एजुकेटेड है, बहुत एजुकेटेड लोग हैं और बहुत अच्छे हेल्पिंग है। अब हम जैसे जाते हैं तो हमें नहीं पता ना कि कहाँ चीज़ किस चीज़ कहाँ कैसे जाना है, तो आप किसी से भी पूछिए, बिल्कुल आपकी हेल्प करते हैं लोग, बहुत अच्छे लोग होते हैं दुनिया में, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं साहिद भाई। और फिर मैंने जो नोटिस किया, सीमेंट्स को रिस्पेक्ट, जब आप बताते हैं कि आप एक सेलर हैं तो आप लोगों की नज़र में आपकी रिस्पेक्ट और बढ़ जाती है, यकीनी तौर पे सही। ये मैंने अपनी पर्सनल उससे, ये मतलब मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आप अमेरिका में हैं और आप किसी को बताते हैं कि आप सीमेन हैं, या आप ऑस्ट्रेलिया में हैं आप बताते हैं कि आप सीमेन हैं, तो आपकी रिस्पेक्ट बाय डिफॉल्ट बढ़ जाती है, वो मानते हैं कि हाँ भाई ये लोग मेहनती हैं। और मतलब ये एक फील्ड ही ऐसा है कि देखिए, चलाने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की है, मगर हम
90% ट्रेड दुनिया का शिप से हम करते हैं, राइट। तो बड़ी चीज है। अच्छा, लंबा सफर, सबसे बड़ी जर्नी शिप पर आप जब रहे तो वो कौन सा सफर रहा, कहाँ से कहाँ तक आपका इस शेड्यूल में, इस 11-12 साल के सफरनामे में? जी तो साहब, एक आम है वो, जो मेरे ख्याल में किसी ना किसी को मिलता ही होगा वो सफ़र। तो चाइना से, एक तो अगर आप किसी बल्क कैरियर शिप में हो और आप जा रहे हैं अमेरिका, तो अमेरिका का सफ़र चाइना से पूरा 45 दिन का होता है। या फिर अगर आप चाइना से ब्राज़ील जा रहे हैं तो वो भी 45-50 दिन का सफ़र हो जाता है आपका। एक में आपको पूरा अटलांटिक क्रॉस करना है और एक में आपको पूरा पैसिफिक क्रॉस करना है। ऑब्वियसली सही बात है, ये बहुत बड़े ओशियंस हैं। तो ये दोनों एक्सपीरियंस मेरे लमसम बराबर के से ही हैं और मैं अक्सर वहाँ जाता आता रहा हूँ। तो ये 45-50 दिन तो बिल्कुल कॉमन से हो गए। अब कोई बड़ा इससे लंबा सेलिंग हो तो बताएं। अच्छा, हमें तो मिली नहीं। अभी एक सवाल जहन में आया बड़ा, व्यूअर्स के लिए भी यकीनी तौर पे, जिस तरीके से क्लाइमेट यहाँ पर हमारे ग्लोबल वाइज चेंज रहती है, तो ओशन को एक पैसिफिक से दूसरे पैसिफिक जाने में भी आपको कहीं क्लाइमेट में भी वहाँ पे भी बड़ा बहुत बड़ा परिवर्तन तब्दीली नजर आती होगी, महसूस होती होगी, बिल्कुल टेम्परेचर में। बिल्कुल, अब मिसाल के तौर पे मैं आपको एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अगर हम चाइना में हैं और हम अमेरिका जा रहे हैं, तो हम चाइना से चलेंगे तो अगर मिसाल के तौर पर चाइना में समर्स हैं, ठीक ठाक गर्मी है, तो आप चलेंगे तो आपको 10 दिन में रशिया आ जाना है, 7-8 दिन में रशिया आ जाना है, ठंड मिलेगी। थोड़ा सा इधर, थोड़ा सा और आप आगे चलेंगे तो आपको अटलांटिक क्रॉस करना है, तो वहाँ तो और ज़्यादा, वहाँ माइनस में टेम्परेचर होगा। अच्छा, कभी ऐसे इतफाक हुआ एंटार्क्टिक में आपका सफ़र जब रहा जर्नी, तो वहाँ पे तो आइस भी, आइस क्यूब्स रहते हैं उसमें ओशन में? आइस क्यूब्स होते हैं मगर वो, मतलब हम क्योंकि अलग रूट रहता है, हाँ, हम ज़मीन से काफ़ी दूरी पे चलते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें वो, हमें मिल बीच में आ जाए या हमसे टकरा जाए, ऐसा नहीं है। हम थोड़ी, अब जो जा ही वहाँ रहे हैं बाल्टिक वगैरह में जो चल रहे हैं, तो उन्हें तो आइस ब्रेकर्स चाहिए, उनके तो आगे आगे आइस काटने के लिए एक बड़ा दूसरा जहाज चल रहा होता है, वो अलग हो गया। पर जिस पे मैंने जो काम किया, हम लोग दूर दूर से चलते हैं, लैंड से काफ़ी दूर होते हैं, तो हमें कोई इस चीज़ की परेशानी नहीं होती। पर हाँ, यकीनन होते हैं ऐसे जहाज जो बर्फ़ के अंदर ही चलते हैं बाकायदा। अच्छा अली भाई, तो हर क्लाइमेट के एतबार से तो जाहिर सी बात है आपके जो वहाँ पे रिहाइश रहती है आपके शिप पर, तो हर वेदर के एतबार से आपका खाना और पीना और वही रिहाइश जो आपके रेसिडेंस, तो वो मतलब कहना चाहिए बिल्कुल हर मौसम के एतबार से आप वहाँ पे सारी चीज़ सूटेबल है। हमारे एकोमोडेशन जो हमें मिलता है उसके अंदर वो इस तरह से वो सुपर स्ट्रक्चर होता है कि ना तो उसमें सर्दी का आपको एहसास होने वाला है खासी, ना आपको गर्मी का खासी एहसास होने वाला है। वो अपने आप में कंप्लीट एक मकान है, वहाँ आप आराम से रहिए, कोई परेशानी नहीं है, आपको बेहतरीन खाना मिल रहा है, आपको अच्छा काम। जनरली वैसे तो स्टैंड बाई अगर देखा जाए, अगर आपकी वहाँ पे ड्यूटी भी आवर्स ख़त्म होते हैं तब भी ड्यूटी माना जाएगा, क्योंकि शिप ड्यूटी 24 आवर्स ही ड्यूटी, 24 आवर्स ड्यूटी है। कोई आप अपने बिस्तर पर भी हैं तो भी आप ड्यूटी ही कर रहे हैं, आपकी 24 आवर्स ड्यूटी, आपको हर वक्त वहाँ अवेयर रहना पड़ता है। और ये मतलब ये ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है कि जिस वक्त आपने नॉक ऑफ कर लिया है उसके बाद भी आप फ्री नहीं हो गए, किस वक्त क्या इमरजेंसी आ जाए ये किसी को नहीं पता। इमरजेंसी तो मतलब इमरजेंसी ना, पता नहीं ना कब हो सकती है, तो आप कभी अपने होश नहीं खो सकते, हमेशा आपको ख्याल रखना है, समझ रहे हैं ना। तो बहुत सारी चीज़ें, अगर मिसाल के तौर पे कोई चीज़ आपको गलत होती दिख रही है और आपकी ड्यूटी भी नहीं है, तो भी ये आपकी ड्यूटी हो जाती है कि आप उसको ठीक करें, राइट। अच्छा अली भाई, ये बताएं ज़रा, तो साल में कितनी छुट्टियाँ मोस्ट प्रोबेबली आपको मिल जाती हैं या होती हैं आप? जाहिद भाई, मेरा कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है वो 8 मंथ्स का रहता है, सॉरी, ओके, 8 मंथ्स का मेरा कॉन्ट्रैक्ट रहता है और उसके बाद छुट्टी है 3 या 4 महीने, मैं आराम से छुट्टियाँ अपनी घर पे ही रहता हूँ, और फिर कंपनी कॉल करती है, पूछती है कि आप रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए, और अगर मैं रेडी हूँ तो मैं बोलता हूँ जी हाँ, मैं फना फना डेट के लिए रेडी हूँ,
तो फिर वो मेरे टिकट्स और कॉन्ट्रैक्ट भेज देते हैं। अच्छा, तो जिस कंट्री में आपका शिफ्ट होगा तो बाई फ्लाइट आप वहाँ पहुँचेंगे? जी हाँ, जहाँ भी शिफ्ट होगा, जहाँ से भी ज्वाइनिंग होगी, वहाँ अपने घर से अगर मैं निकलूँगा तो जहाँ तक जहाज पे चढ़ूंगा नहीं जब तक शिप, वहाँ तक मुझे टोटल कन्वेंस कंपनी देती है। जी हाँ, और ये ऐसे ही, यहाँ से फ्लाइट्स, फ्लाइट से टैक्सी, टैक्सी से यहाँ से टैक्सी एयरपोर्ट तक, वो जो भी कुछ है वो सब कंपनी की जिम्मेदारी होती है। होटल स्टे मिले वो सब कंपनी का खर्चे पे होता है, कोई हमारा एक नया पैसा हमारा खर्च नहीं। अच्छा अली भाई, एक मज़े की बात अभी प्यारे वर्ष के लिए, ये दूसरी बात कि कभी जब देखते हैं आप कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से आपकी शिप चल रहा है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, कंट्रोल, अंडर द कंट्रोल, तो और आपकी नॉकआउट, आपकी ड्यूटी हो गई है, तो फिशिंग वगैरह का मौका मिल जाता है कहीं पे ओशन में आप लोगों को आपके मैनेजमेंट की तरफ से? जी जी जी, बिल्कुल खुली छूट है साहब। अच्छा जी हाँ, अमूमन शिप जब खड़ा होता है, वेट कर रहा होता है कार्गो लेने का या कार्गो डिस्चार्ज करने का, तो एंकर बोला करते हैं उस एंकरेज पे जहाज खड़ा है, तो अगर समंदर शांत है तो सब लोग हम फिशिंग करते हैं, तो आराम से पीछे बैठ के मछलियां पकड़ते हैं, टाइम पास है, बहुत अच्छा। तो मैक्सिमम कितने केजी की फिश आपने के वहाँ पे फिशिंग लगभग या आपके कुलिक्स? हाँ नहीं, अच्छी बड़ी बड़ी मछलियां भी पकड़ी हैं हमने, ऐसी बात नहीं है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर का एक वाकया है कि हमने एक शार्क पकड़ ली। अरे जी हाँ, अच्छा, तकरीबन रही होगी वो 12-15 किलो की। जी हाँ, एक शार्क पकड़ ली, तो खैर वो शार्क खाते नहीं है। जी हाँ, तो वो छोड़ दी वापस। अच्छा, दूसरी जो है जिनको जो खाने पीने में यूज़ होती हैं जो फिश की जो वैरायटी हैं, तो फिर वो एक दो केजी की आप फिशिंग में आ जाती हैं? जी जी जी, नॉर्मल नॉर्मल है, नॉर्मल है, समुद्र में बहुत मछली है। बारबेक्यू करते हैं? बारबेक्यू भी करते हैं, बारबेक्यू भी होती है, पार्टीज होती हैं, बाकायदा बारबेक्यू पार्टीज होती हैं। हाँ होती है जी, अच्छा रहता है, काफ़ी अच्छा है, ऐसा नहीं है। तो मिस तो यकीनी तौर पे बुलंदशहर, अपनी सरजमी, अपने मुल्क को हमेशा करते रहते होंगे, अपने घर वालों को, ये तो पूछने वाली बात ही नहीं है। व्यूअर्स के लिए ज़रूर, हाँ नहीं, मैं आपके व्यूअर्स को बताऊं कि कहीं भी है जो दिल तो हिंदुस्तान, दिल हिंदुस्तानी है साहब, दिल हिंदुस्तानी है, यूरोप हो या अमरीका हो, दिल हिंदुस्तानी है, अपने घर को, अपने वतन को, अपने दोस्तों को, फैमिली, सरजमी को, सरजमी को, ऑफकोर्स सरजमी को याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं, और ख़ास तौर से फेस्टिवल्स पे। फेस्टिवल्स पे अभी मैं इंशाल्लाह, देखिए अगले महीने से मैं जा रहा हूँ। जी हाँ, मार्च में मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। मीठी ईद आ जाएगी, ईद-उल-फितर और आपकी बकरे, ईद-उल-जुहा, सब हमें सब जहाज करते मिस करते हैं हम, वहाँ भी छोटा मोटा सेलिब्रेशन करते हैं। जी तौर पर अगर 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 हैं 2-3-4 मुसलमान हमारे साथ के हैं, नॉन मुस्लिम भी हैं, इंडियंस हैं जो ईद का इम्पोर्टेंस जानते हैं, हाँ तो मतलब इंडियंस हैं अगर, और वो ईद की इम्पोर्टेंस या दिवाली की इम्पोर्टेंस, होली की इम्पोर्टेंस है, रक्षाबंधन है, व्हाटएवर, जो भी हमारा त्यौहार, हमारे मुल्क का जो भी त्यौहार हम होता है, हम करते हैं मिलके। जी हाँ, हम गणेश चतुर्थी पे बकायदा गणेश जी बिठाते हैं, हम सारे काम करते हैं जो हो सकते। जी हाँ, हम सारे काम करते हैं। जी जी, बहुत मजा आता है क्योंकि